शाहजहांपुर दो दिन पूर्व वायरलेंस विभाग में तैनात दरोगा भोंदे खान की मर्डर मिस्त्री पुलिस ने हत्या के 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दरोगा की चार पुत्रियां और पत्नी को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। शेष बचे दो भाड़े के हत्यारे जिनकी तलाश में पुलिस टीम मुजफ्फरनगर रवाना हो गई है। पुलिस के अनुसार दरोगा की पत्नी के अवैध संबंध और पुत्रियों के गलत चाल चलन पर आपत्ति ही दरोगा की मौत का कारण बनी। शाहजहांपुर में इसी माह में पत्नी के अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या किए जाने का यह तीसरा मामला है, परंतु यह दोनों मामलों से अलग हटकर इसलिए है कि इनमें अपने ही पिता की हत्या पुत्रियां भी शामिल हैं, क्योंकि एक और कहा जाता है कि बेटों से अपनी बिटिया अपने पिता को अधिक प्यार करती हैं, परंतु पिता और पुत्री के प्रेम को कलंकित करने का काम इन बेटियों ने अपने ही पिता को खून पसीना बहाकर दिन रात ड्यूटी करके उनकी अच्छी से अच्छी परवरिश करने की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा हो। उसकी हत्या में अपनी मां को समझाने के बजाय उनका साथ दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने आज प्रेस वार्ता करके मामले के बारे में बताते हुए कहा कि दो दिन पूर्व हुई दरोगा भोंदे खान की हत्या को गंभीरता से लेता हुए गहन जांच की गई, जिसमें वो तथ्य निकल कर आए हैं जो बेहद चौंकाने वाले निकले हैं। मृतक दरोगा की पत्नी और बेटियों ने चाल चलन को गलत पहनावे को लेकर दरोगा जी ऐतराज करते थे, जो पत्नी और बेटियों को पसंद नहीं था। इस कारण पत्नी जहीदा ने मुजफ्फरनगर जहां के दरोगा जी मूल निवासी थे वहीं अपने प्रेमी से मिलकर दरोगा जी की हत्या की प्लानिंग कर ली डाली और तहसीन और कासिम नाम युवकों को 1,00,000 रुपए सुपारी देकर घर बुलाकर घर में ही हत्या करा डाली। दिन भर सौ रखने के बाद रात के समय नाले में फिकवा दिया। उन्होंने बताया कि दरोगा अपनी सैलरी के 68,000 रुपए निकाल कर लाए थे, उसी में से 50,000 रुपए हथियारों को दे दिए गए। 1:30 बजे यहाँ से निकले, जैसे ड्यूटी गए। हाँ। ड्यूटी के बाद फिर शाम में नहीं आए, फिर सुबह ही लोगों ने बताया। कहाँ बॉडी मिली है? नाले में। ये बताइए कि लग रही है हत्या की आशंका आपको लग रही है, उनको मार के डाला गया है, क्या है? मार के डाला गया और क्या, हमने तो देखा भी मार के डाला गया और क्या। ये बताइए कि अभी हाल ही में आपकी बेटी की हत्या की गई, कुछ लग रहा है उससे कुछ लिंक है? उन्हीं लोगों ने मारा है जिन लोगों ने बेटी की हत्या की है? ऐसे कैसे बता रहा, दुश्मन तो उन्हीं से थी, बेसिकली जो इनके परिवार के जो बच्चे हैं वो स्वच्छंद प्रवृत्ति के हैं। एक तो उनकी प्रवृत्ति पर ही अंकुश लगाना चाहता था, दूसरा जो इनकी पत्नी है और जो बच्चे हैं उनका जो चाल चलन है वो मतलब उसके हिसाब से अपेक्षित नहीं था, उसी कारण से उसको वो रोड़ा समझते थे परिवार की प्रगति में, परिवार के जो खुलापन है उसमें, इस कारण से इनकी हत्या की गई। मार्ग थाना सदर बाजार क्षेत्र में एमएनजे जलाल नगर में जो वादी है उसके घर के पास नाले में हमारे आरएसआई भोंदू खान की डेड बॉडी मिली थी, जिस पर हमारे सभी उच्च अधिकारी थाना प्रभारी और इवन हमारे एडी साहब आईजी साहब मौके का निरीक्षण किए थे और घटना में जो भी शामिल था उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। इसी क्रम में हमारी जो थाना सदर बाजार की टीम, सर्विलांस टीम और सीओ सिटी और एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में जो टीमें लगी थी उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग सीसीटीवी के जरिए लगा जो वहां मोहल्ले में लगे हुए, और उससे स्पष्ट हुआ कि घटना इनके घर में स्वयं हुई है और जो इनके परिजन हैं वो घटना को सही जानकारी नहीं दे रहे। पूरी छानबीन के आधार पर जो इनकी पत्नी है और उनकी जो लड़कियां हैं जो इस घटना में शामिल हैं और उनके द्वारा जो बुलाए गए दो इनके रिश्तेदार थे जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे उनकी गिरफ्तारी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है धारा 302, 201 में,